ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के टाइप्स में नंबर पाँच पर जो टाइप है उसको हम टीम बेस्ड स्ट्रक्चर के नाम से लिटरेचर में मौजूद पाते हैं ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है देखते हैं इसमें एलिमिनेट uh, कर दिया जाता है फंक्शनल बैरियर्स को यानी जैसे कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में आपको बहुत वेल स्टैब्लिश्ड और डिफाइंड डिपार्टमेंट्स नज़र आते हैं जो एक डिपार्टमेंट अक्सर मुख्तलिफ है दूसरे डिपार्टमेंट से उसकी वर्किंग कम्प्लीटली फ़र्क है उसकी लाइन ऑफ uh, जो कमांड है वो वर, वर्टिकल है अपने डिपार्टमेंट के uh, अंदर इसी तरह से डिविजनल में आपको नज़र आता है कि डिफरेंट एक्सपर्टीज के लोग हैं जो कि मिलकर के काम कर रहे हैं एक टीम के तौर पर दोबारा से और उसका पर्पस एक होता है और उनका एक यूनिट बना होता है आ, फिर आपने मैट्रिक्स में भी देखा कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को करने के लिए आपका फंक्शनल भी मौजूद है लाइन ऑफ एक्शन और कमांड वर्टिकल ऑर्डर में लेकिन लेटरल ऑर्डर पे आप करते हैं लेटरल लेवल पे देखते हैं कि कहाँ पे सिमिलैरिटीज़ हैं और कहाँ पे आप मिलकर के चल सकते हैं टीम बेस्ड स्ट्रक्चर में एलिमिनेट कर दिया जाता है फंक्शनल बैरियर्स को टू सॉल्व प्रॉब्लम टीम्स और वर्क ग्रुप्स ईधर टैम्प्ररी और परमानेंट आर यूज टू इम्प्रूव हॉरिजोंटल रिलेशनशिप एंड इन्सॉल्व प्रॉब्लम थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन इसमें डिफरेंट जो टीम्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होती हैं जो डिफरेंट यूनिट हैं फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि आपको सीनियर लेवल पर आपको लाइन ऑफ कमांड में बहुत हाई लेवल पर सी या कोई भी एक ओनर कोई भी बहुत सीनियर डायरेक्टर नज़र आएंगे फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स uh, भी फंक्शनल आपको इस्टेब्लिश डिफरेंट पर्पज़ के तहत नज़र आते हैं और उसके नीचे डिफरेंट प्रोडक्ट टीम्स होती हैं जिसके प्रोडक्ट टीम्स के अंदर भी उनकी एक्सपर्टीज कैन बी डिफरेंट लेकिन उनकी क्रॉस फंक्शनैलिटी जो है जब भी कोई एक प्रोजेक्ट वो लेकर चलना चाहते हैं या कोई एक प्रॉब्लम अक्कर हुई है फॉर एग्जांपल इस लेवल पे अगर कोई इंजीनियरिंग में किसी भी तरह का मसला आया है तो यहाँ पर वो तमाम इंफॉर्मेशन उसके मेन स्ट्रक्चर वाली जो टीम है उससे भी हासिल करेंगे दूसरे यूनिट से भी हासिल करेंगे तीसरे से भी करेंगे एंड दे आर वर्किंग टुगेदर एज अ टीम अंडर दिस वन पर्सन सो क्रॉस फंक्शनैलिटी जो है इसका खासा है और अमूमा ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ होती है और इसमें प्रोजेक्ट वर्कस भी डिफरेंट तरह के आ, इस, जब करने हों जिसमें कि क्रॉस फंक्शनल टीम्स रिक्वायर्ड होती हैं तो उसके लिए ये अच्छा स्ट्रक्चर है बट इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड इसमें लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है बहुत अच्छी तरह से केयरफुली उसको हैंडल करने की जरूरत होती है वरना इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है और कहीं पर अगर एक इंफॉर्मेशन लूज हो गई तो सारी की सारी टीम की वर्किंग उससे इफेक्ट हो सकती है नेटवर्क स्ट्रक्चर सिक्स नंबर पर है जिसका के काम जिसका जो खासा है वो ये है कि इट कनेक्ट्स अ सेंट्रल कोर टू आउटसाइड फर्म्स बाय कंप्यूटर कनेक्शंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड वी जस्ट कम टू नो एंड वी जस्ट सी कि नेटवर्क के, के सिनेरियो क्या होता है कि आपकी एक पर्टिकुलर टास्क है या पर्टिकुलर एक्सपर्टीज है और आप उसके लिए बहुत सारी टीम्स अपने पास नहीं रखते वी आर नाउ लिविंग इन अ ग्लोबल यू नो वर्ल्ड जो कि ग्लोबल डिजिटली कनेक्टेड है और जो बहुत जहां पर पेस ऑफ वर्क पेस ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर और एक्सचेंज इज रियली वेरी वेरी स्पीडी फास्ट और बहुत उसमें ज्यादा प्रोग्रेस और डेवलपमेंट देखने को मिली है पर्टिकुलरली विद द बिग रेवोल्यूशन दैट हैज कम प्लेस इन द वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन और कंप्यूटर्स के जरिए से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए सो इन्फॉर्मेशन का जो एक्सचेंज है बहुत ईजी हो गया जब ये अवेलेबल हो गया तो कंप्यूटर्स को जब आप यूज करके अपने नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए आप काम करते हैं जिसमें कि आपका एक कोर टीम मौजूद होती है किसी एक लोकेशन पर सो द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेंट्रल कोर टीम दैट इज लिंक्ड टू आउटसाइड इंडिपेंडेंट फर्म्स बाय अ कंप्यूटर फॉर एग्जाम्पल आपका कोर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कंपनी इज समवेयर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड देन मेकिंग यूज ऑफ द डिजिटल लाइन ऑफ कम्यूनिकेशन यू कैन जस्ट लिंक विद एनी कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ़ योर प्रोजेक्ट आप अपना नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं एक्सपर्ट्स का इस तरह की मेट्रिक्स में या इस तरह के जो स्ट्रक्चर uh, है उसमें आपको जो एक्सपर्ट्स की को एक्सेस करना उनकी अवेलेबलिटी मैक्समम लेवल पर होती है लेकिन अगेन इसमें आपके दरमियान में, आप में uh, जो कामन फैक्टर्स हैं इंटरेस्ट के आपकी एक्सपर्टीज़ आपको क्या रिक्वायरमेंट है और कहाँ पे वो एक्सपर्टीज़ मौजूद है आप दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना शेयरिंग की एंड ज्वाइनिंग हैंड फॉर दैट प्रोजेक्ट एंड कलेब्रेशन वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसमें किसी भी तरह का डेटा लूज़ नहीं होना चाहिए वाइल यू आर कम्युनिकेटिंग एंड वैल यू आर जस्ट वर्किंग टू एस्टेब्लिश एंड स्ट्रेंथन दैट नेटवर्क ऑफ एक्सपर्ट सो दिस इज़ Uh, where the, you are using the computer as the main component in this network and uh, operate um, as if all were a single organization. So different people are available in different parts of the world, probably in different organizations, but you're working towards that one project as one team, Organization This is called the network structure.